आज मैं आपको भारत में हुए जी ट्वेंटी समिट के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है आई होप आप सबको पता होगा कि भारत ने इस साल जी ट्वेंटी समिट को होस्ट किया था पर आखिर ये जी ट्वेंटी है क्या और इस इवेंट के बाद क्या आउटकम निकलता है खास कर एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को लेकर तो आइए आपको आसान भाषा में इसके बारे में समझाता हूँ वो भी तीन मिनट से कम में जी ट्वेंटी समिट इसे ऐसे समझो जैसे की ग्लोबल सुपर हीरो का टीम अप हो रहा हो बट इंटेड ऑफ डांसिंग एंड म्यूजिक वो सीरियस ग्लोबल इशूज के बारे में डिस्कस करते हैं जस्ट लाइक आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका टीम अपू से

इसका मोटो ट्रिपल आर है री यूज रिपेयर और रिसाइकिल जैसे कि एक ओल्ड स्मार्टफोन को रिपेयर करके नया जैसा बनाने जिसे हम प्रोडक्ट को बिना फेंके लंबे समय तक यूज कर सकते हैं इससे वेस्ट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा अब तीसरा पॉइंट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना टू ब रेट पे इसका सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जहां कंट्रीज अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज के साथ फोर्थ पॉइंट में प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे देश में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है इससे पॉल्यूशन होता है इसलिए जी ने सोचा कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है और एक इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट बनाया जाए इसमें सारे कंट्रीज मिलकर प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले फिफ्थ पॉइंट इको सिस्टम कंजर्वेशन के लिए हमको चाहिए की जो नुकसान इंसानों ने लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग और पॉल्यूशन से किया है उसका थर्टी को ट्वेंटी तक रिस्टोर करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले इको को नुकसान से बचाना होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और ज्यादा ऐसी ज्यादा प्लांट्स लगाना भी जरूरी है जिससे एनवायरमेंट क्लीन रहे पॉइंट अब ओशन कंजर्वेशन की बात करते हैं यहाँ फोकस है मेरीन इकोसिस्टम पे इसमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और इलीगल फिशिंग को रोकना है फॉर एग्जाम्पल ब्लू इकोनमी और यानी आप मूवी वाले सुपरमैन को तो जानते ही होंगे बट क्या आप रियल लाइफ सुपरमैन बाबुल को जानते हैं अगर नहीं तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए अब अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया ने अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं लेकिन दुनिया के लीडर्स में कुछ ही एक्शन के लिए राजी हुए हैं पहला क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरा एनर्जी एफिशियंसी और कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए तीसरा नेचुरल फॉरेस्ट और इको को बचाने के लिए चौथा पॉल्यूशन और वेस्ट को कम करने के लिए और पांचवा दूसरे